नमस्कार, हाजिर है हम टैक्स प्लानिंग के साथ। टैक्स पेमेंट से जुड़े कठिन से कठिन सवालों के आसान भाषा में हम देते हैं आपको जवाब। टैक्स तो आप ही को भरना है, लेकिन इसको बचाना कैसे है, इस पर हम देते हैं आपको हर मुमकिन और हर संभव जवाब। इस पर तमाम बातों के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं रजनीश शुक्ला जी। रजनीश शुक्ला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 13 ईयर्स से प्रैक्टिस में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। तो रजनीश शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू टैक्स पेयर्स, तो सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, बहुत कॉमन सा है, बहुत सिंपल सा है और हर कोई जानना चाहता है, एलिजिबिलिटी क्या है? कब कैसे पता लगता है एक नए टैक्स पेयर को कि वो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एलिजिबल हो चुका है, इस पर बताइए सर। सर इसमें एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम एक वर्ड और ऐड करते हैं, मैंडेटरी का, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो आपकी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग एनी इनकम। मैंडेटरी कब होता है, कब से आपको सरकार ट्रैक करना शुरू करती है? सरकार कहती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर लेते हो इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो आपके ऊपर टैक्स बनता है। और जैसे ही टैक्स बनता है, इसका मतलब है आपने रिटर्न फाइल करके ही आपने टैक्स पे करनी है। इन्होंने अलग अलग जगह अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी हुई हैं। जैसे हमने इंडिविजुअल की बात करी, अगर उसकी सैलरीड इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट क्रॉस करती है, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए क्रॉस करती है, एज वाइज इन्होंने स्लैब्स दिए हुए 60, 80 या 60 से कम की, उस हिसाब से आपके टैक्स के रेट्स वेरी होते चले जाते हैं। अगर मैंडेटरी हम रिक्वायरमेंट रिटर्न फाइलिंग की बात करें, इसको भी आप दो हिस्सों में कर सकते हो। एक हिस्सा तो हमने कहा जहाँ पे आप बात करते हो कि हमारी इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई, तो यस यू हैव टू पे टैक्सेस, तो आप रिटर्न फाइल करते हो। दूसरा केस होता है कि आपकी इनकम नहीं भी क्रॉस करती है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज और थ्रेशोल्ड लिमिट है जो सरकार ने प्रिस्क्राइब किए हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रिस्क्राइब करता है, अगर आप उसमें भी कवर होते हो तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, हमारा बिजली का बिल थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया, हमने फॉरेन ट्रैवल किया है, हम कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हमने डिपॉजिट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा की करी हुई है, हम एसेट्स मेंटेन कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर हमें किसी और एसएससी के बिहाफ पे रिटर्न फाइल करनी है, तो ऐसे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जहाँ पे इवन आपकी इनकम थ्रेशोल्ड को न क्रॉस कर रही हो फिर भी आपको अपने रिटर्न फाइल करनी होती है इनकम टैक्स। सर एक जो सवाल है, टैक्स फाइल कैसे करें, इसके लिए किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत होती है, हमको सीए की जरूरत पड़ती है, या एक इंडिविजुअल टैक्स जो है वो खुद भी फाइल कर सकता है, डायरेक्ट टैक्स भी फाइल कर सकता है? इसको बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, इसको लेकर जरा आप क्लियर करें तो। सर मैं अपनी पिछली बात से आगे ऐड करता हूँ, अब आपके पास इनकम आ गई, आपकी इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट को क्रॉस कर रही है, आपने वर्कआउट करना है कि क्या आपकी इनकम, आप लिमिट जैसे सरकार ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है 2,50,000 का, अगर आपकी ये 60 क्रॉस कर गई तो 3 लाख का अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आपकी एज 80 क्रॉस कर गई तो दे प्रिस्क्राइब 80 इयर्स की आपको एज लिमिट प्रिस्क्राइब करी हुई है 5 लाख के लिए, तो जैसे ही आपका इनकम इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है, आपकी लायबिलिटी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आ जाती है आपके ऊपर। इसके अलावा और इसमें मैं ऐड करूं, सेक्शन 139 जो क्लियर स्पेसिफिक बात करता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, उन्होंने और भी मोड प्रिस्क्राइब किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लो, आपने बिजली का बिल पे किया हुआ है 50,000 से ऊपर का साल में, आपने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो अदर देन एड ऑन कार्ड, आपने क्लब की मेम्बरशिप वगैरह ली हुई है कोई 25,000 की लिमिट के ऊपर की, तो हाँ इवन आपकी अगर इनकम उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे होती है फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ये तो होगी पहली प्रायोरिटी, हम फाइल क्यों करें। अब इसके बाद सरकार ने अलग अलग फॉर्म्स इसके लिए मैंडेट किए हुए हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ITR 1 टिल ITR 7। आपने ये देखना है, अच्छा इसमें एक चीज़ और आ गई, ये तो हो गई हमारी इनकम, फिर वो पूछते हैं कि आपकी इनकम किधर से आती है, देन अगेन उन्होंने उसमें 5 हेड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, आप सैलरी की बात करते हो, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हो, बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हो, कैपिटल गेन की बात करते हो, अगर इनमें चारों में कहीं नहीं कवर हुआ तो आप लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी बात करते हो। अगर 5 हेड से आपकी इनकम आ रही है, पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, फिर आप ITR फॉर्म की तरफ जाते हो।
आपने आईटीआर फॉर्म का जिक्र किया। हाँ जी, आईटीआर फॉर्म में अगर मेरे मान लीजिए ज़्यादा अकाउंट्स हैं, ज़्यादा बैंक अकाउंट्स में होल्ड करता हूँ, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में भी है या तमाम दूसरी बैंक्स में भी, उन पे भी अगर मेरा अकाउंट है, तो आईटीआर फॉर्म में मेरे को सारे अपने बैंक अकाउंट्स को दिखाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ता है या एक पर्टिकुलर बैंक को दिखा सकता हूं? सारे सारे आपको उसमें डिस्क्लोज करने होते हैं। सी, ये गवर्नमेंट जो है चीज़ों को कनेक्ट कर रही है, आपको ये फैक्ट्स कहीं ना कहीं लेके चलना होगा। योर आधार इज समवेयर कनेक्टेड, आपका पैन कहीं ना कहीं सब जगह कनेक्टेड है, तो दे आर ट्राइंग टू लिंक ऑल योर बैंक अकाउंट्स। इंटेंशन देखिए बड़ी क्लियर है। अगर आप देखो इधर तो आईटीआर वन के लिए सरकार भी जैसे कह रही है कि आपके बहुत सारे फिगर्स ऐसे होंगे जिसमें प्रीफिल्ड आएंगे। अब वो प्रीफिल्ड क्यों कर रही है आपके लिए? वो प्रीफिल्ड इसलिए कर रही है, एक तो आपको ईज हो उस रिटर्न को फाइल करने में, पहला स्टेप। दूसरा, साथ का साथ उनको क्लैरिटी होती जाए कि आप और कहाँ कहाँ कनेक्टेड हो। प्लीज़ काविंद्र जी, मुझको ये कैसे मालूम चलेगा कि मुझको कितना टैक्स भरना है? मान लीजिए सबकी सैलरी अलग अलग होती है, किसी की 4 लाख पर एनम है, किसी की 10 लाख पर एनम है, ये कहाँ स्लैब डिसाइड होता है कि मेरे को कितना टैक्स पे करना है, इस पर थोड़ा सा बताइए। सर, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि वी हैव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कि अगर आपकी एज एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करते हो तो आपके अलग अलग उन्होंने स्लैब्स आपको दिए हुए हैं। अगर आप कोई इनकम जनरेट करते हो तो उस इनकम में आपको टैक्स देना है। अब आप एज्यूम करो कि आपकी सैलरी इनकम होती है, इस साल में सैलरी इनकम आपने एज्यूम करी आपकी 5 लाख होती है और आपकी 60 ईयर से कम की एज है, मतलब कहीं ना कहीं आप 2.5 लाख को क्रॉस कर गए। आप फिर उसके बाद प्रॉपर अपनी इनकम लोगे। अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो आप उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद जो भी आपकी इनकम बचती है, इनकम के बाद आप उसमें देखोगे कि कहीं आपने अगर सेक्शन 80 की कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जैसे आप हो सकता है आपने मकान लिया हो, आपको होम लोन लिया हो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, LIC हो सकती है, और इस तरीके से वेरियस उन्होंने क्लॉजेस दिए हुए सेक्शन 80 में जिसका आप बेनिफिट लेते हो। उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है उस पे फिर आप पर्टिकुलर स्लैब के हिसाब से, जो हमने आपको शुरू में बताया था, उसके हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करते हो, और जो टैक्स हो जाता है कैलकुलेट वो एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप सरकार को पे कर देते हो। जी बिल्कुल। प्लीज़, प्रोग्राम से पहले रजनीश जी हमने अपने कुछ दर्शकों से सवाल मांगे थे, जो नए टैक्सपेयर्स हैं उनके सवाल आए थे। एक कॉमन सवाल था कि एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस आता है? देखो सर, हमने शुरुआत करी थी कि इवन इफ़ यू अर्न अ सिंगल पेनी, आपको कहीं ना कहीं उस पर टैक्स पे करना होता है। यानी सरकार ने कहीं ना कहीं शुरू में ही वो चार्जिंग सेक्शन से शुरू करके स्कोप ऑफ टोटल इनकम तक बात करती है, तो शुरू में ही सेक्शन 3, 4, 5 में ही क्लियर कर देती है कि आपको अपनी सारी इनकम पे टैक्स देना है। लेकिन उसके बाद वो आपको बेनिफिट देना शुरू करती है। बेनिफिट कैसे हुआ? जैसे अभी हमने 2.5 लाख की बात करी थी कि दे हैव गिवन यू दैट एग्जेम्पशन। बेनिफिट कैसे हुआ? आपको उन्होंने सेक्शन 80 में चैप्टर 6 में डिडक्शन देने की बात करी, आपको डिडक्शन दिया, यानी आपकी इनकम को कहीं ना कहीं उनको कहा कि आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, इतनी आपकी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में चली जाती है। प्रिसाइज सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 10 है। ये सेक्शन 10 स्पेसिफिकली बात करता है कि क्या क्या इनकम होगी आपकी और किस किस हेड में होगी। अगर इस पर्टिकुलर हेड में आपकी इनकम पड़ती है और प्रिस्क्राइब कंडीशंस को क्वालिफाई करती है तो यस, आपको वो एज एन एग्जेम्प्ट इनकम ट्रीट होती है और उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। जी बिल्कुल। एक बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, अगर कोई लॉटरी जीतता है, मान लीजिए वो लॉटरी जो है वो ज़्यादा अमाउंट की है, तो उस लॉटरी पर उसको टैक्स देना होगा? सर, जब आपकी लॉटरी की इनकम आएगी, जब अगली पार्टी आपको पेमेंट करेगी, वो साथ का साथ उस पर टैक्स काट लेगी। तो टैक्स रेट इज 30% और उसके ऊपर आपका हायर एजुकेशन सेस लग जाता है, वो टैक्स वो अपने आप काट लेंगे और आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करा देंगे। जब ईयर एंड में आप अपनी रिटर्न भरोगे तो आप उसमें उस इनकम को भी डिक्लेयर कर दोगे, साथ का साथ वो जो TDS कटा हुआ उसका बेनिफिट भी ले लोगे आप। सर, कई प्रोफेशंस में इनकम जो है उसमें जो टैक्स लग रहा है वो डोमेस्टिक भी लग रहा है, इंडिया में भी लग रहा है, और अब्रॉड का भी टैक्स उन पर कट रहा है, तो जो ये डबल टैक्सेशन हो जाता है, इस डबल टैक्सेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर अभी आप इंडिविजुअल्स तक की बात करो तो चलो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपको अलग से इसके लिए सेशन चाहिए होगा। हाँ, सरकार ने बेनिफिट दिया है, प्रिस्क्राइब सेक्शन है, सेक्शन 90 एंड 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैं जो आपको ये बेनिफिट देते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आपने इंडिया के बाहर कोई इनकम, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, रैदर एज एन इंडियन पर्सन, एज एन इंडियन SSC इनकम टैक्स SSC, अगर आपकी कोई भी इनकम होती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होती है। पहले तो ये क्लियर कर दूँ आपको। अब आपने इंडिया के बाहर कोई इनकम कमाई, यस, वो पर्टिकुलर कंट्री भी उस पर टैक्स लेगी,
वी हैव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, वी हैव ट्रीटी विद अदर गवर्नमेंट्स, हमारे पास 1991 जैसे मैंने जिक्र आपसे किया, आपने वहाँ जो भी टैक्स पे किया वहाँ की इनकम पे, यस, जब आप इंडिया में अपनी रिटर्न भरोगे इनकम को भी लो आप उसमें, और साथ का साथ जो वहाँ पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो वाले टैक्स का आपको बेनिफिट भी दे देते हैं। इसका प्रॉपर प्रोसेस है इसके लिए, दे हैव प्रिस्क्राइब फॉर्म्स, लाइक फॉर्म 67 की यहाँ पे बात करते हैं, आप फॉर्म फाइल करते हो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर और आप उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। स्पेशल कंडीशन है इसमें, मैं ऐड करूँगा कि उसी साल का जिस साल में आपने वहाँ टैक्स पे किया है उसी साल आप इंडिया में क्रेडिट ले सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते वहाँ। प्लीज, बिल्कुल सर, क्योंकि आज का जो हमारा टैक्स प्लानिंग है वो है न्यू टैक्स पेयर्स को लेकर, तो आप इसको समझाइए थोड़ा सा कि फाइलिंग का एक स्टेटस होता होगा कि किस तरीके से, प्रोसीजर क्या है कि अगर मैं टैक्स फाइल करता हूँ उसका प्रोसीजर क्या है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से मैं टैक्स फाइल कर सकता हूँ या एक ही तरीका होता है कि उसी के थ्रू मैं टैक्स फाइल कर सकता हूँ? देखो सर, ये डिपेंड करता है एसएसआई कैसा है। जैसे आपने न्यू टैक्स पेयर की बात करी तो न्यू टैक्स पेयर को भी आप कई हिस्सों में तोड़ देते हो। इंडिविजुअल एसएसआई है वो ट्रस्ट है, वो पार्टनरशिप फर्म है, वो कंपनी है या कोई एओपी बीओआई है। तो पहले तो उन्होंने डिमार्केशन कर दिया, एसएससी को डिफाइन कर दिया, पहला स्टेप। एसएससी डिफाइन करने के बाद फिर आप आते हो कि उस पर्टिकुलर एसएससी के लिए स्लैब्स क्या डिफाइन किए हुए हैं, फिर आप उन स्लैब्स के हिसाब से जो भी साल में आपके पास इनकम होती है उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। यू हैव प्रिस्क्राइब रेट्स, उस रेट के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, इवन आपको सरकार ने ये भी सुविधा दी है कि वो आपसे कहते हैं कि आप खुद कैलकुलेट करो टैक्स, आप खुद कैलकुलेट करो, खुद टैक्स का फिगर बताओ, दैट इज़ नोन एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेस करो अपने टैक्स को, सरकार को बताओ, प्रॉपर दे हैव प्रिस्क्राइब चालान फॉर दैट, उस चालान के थ्रू सरकार को टैक्स की पेमेंट करो। रजनीश जी, ये सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा सर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो सरकार ने आपको बेनिफिट दिया था सैलरीड पर्सन को कि अगर आपकी सैलरी आती है तो दे हैड प्रिस्क्राइब्ड सम अलाउंसेस, कुछ एक्सपेंसेस थे जो आप कई बार करते थे और उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर से क्लेम कर लेते थे। अभी इन्होंने इसमें थोड़े चेंजेस लाए हैं, दे हैव प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर फिगर दैट इज़ 50,000 रुपीज़, और 50,000 को उन्होंने फ्लैट डिडक्शन आपको दिया है कि वट एवर इज़ योर सैलरीड पार्ट उसमें से आप 50,000 का सीधा डिडक्शन लो और जो बैलेंस आपकी सैलरी बचेगी उसके ऊपर आप अपने स्लैब्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो। सर, जो नए टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हो जाते हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं या उनको बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है उनके लिए, तो उसमें थोड़ा सा एक जो दो कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक टैक्स ब्रैकेट एंड टैक्स रेट, इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके ब्रीफ कर दीजिए सर। इंडिविजुअल एसएससी की अगर हम बात करें तो हमने शुरू में आपको बताया था कि सरकार ने स्लैब्स दिए हुए हैं, स्लैब्स दिए हुए हैं जैसे 2.5 लाख का, 2.5 लाख के बाद 3 से 5 लाख का, 5 लाख से 10 लाख का, 10 लाख एंड अबव, या आगे आपका नेक्स्ट ईयर से रिजीम में आ रही है वो 2.5 लाख 3 लाख ऐसे करके 2.5-2.5 लाख करके वो बढ़ा रहे हैं, 5-10-15-20-25% 30% तक वो अलग रेट लेके चल रहे हैं। ये स्लैब्स हैं, जिस दिन आप एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हो और इस स्लैब के अंदर आ जाते हो मतलब आपको उस दिन टैक्स पे करना बन जाता है। ये तो हो गया आपके स्लैब्स और ब्रैकेट की बात, वंस यू हैव क्रॉस दैट थ्रेशहोल्ड लिमिट यस यू हैव टू पे टैक्स। ठीक है, अब हम आते हैं सर, सॉरी आपका दूसरा सवाल मैं मिस कर गया, टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हो आप। टैक्स क्रेडिट होता है, हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको सर्विसेज दी, नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमने आपको सर्विसेज दी, हमने आपको बिल रेज किया, जब हमने आपको बिल रेज किया तो देर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन जिसमें आप हमारा टैक्स डिडक्ट करते हो। सर्विसेज मैंने दी, मेरे को पैसे देते समय सर्विसेज का आपने कुछ हिस्सा टैक्स का काट लिया, अब वो क्या हुआ, टैक्स डिडक्शन हो गया, आपके पास टैक्स वो पहुंच गया, टैक्स आपके पास पहुंच गया, आपने उस पैसे को वहां से डायरेक्टली सरकार के पास जमा करा दिया, किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, यानी इनकम मेरी थी, मेरा टैक्स था, मुझे पे करना था, लेकिन सरकार ने अथॉरिटी आपकी तरफ शिफ्ट कर दी कि जिस दिन भी आप हमें पेमेंट करेंगे आप उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा काट के डायरेक्टली सरकार को जमा कर देंगे। नाउ दिस इज़ टैक्स डिडक्शन, टैक्स सरकार के पास पहुँच गया। ईयर एंड में जब हम आते हैं और हम अपनी रिटर्न एसेस करते हैं, रिटर्न मतलब अपनी इनकम को एसेस करते हैं और इनकम पे टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, उस समय हमें जो भी टैक्स पे करना होता है उस टैक्स में से जो टैक्स अमाउंट आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है
उस टैक्स को हम रिड्यूस कर देते हैं, बैलेंस टैक्स ही सरकार के पास पे करते हैं। तो आई थिंक इसमें आपके दोनों पॉइंट हो गए, टीडीएस वाला भी आ गया आपका, हाउ यू आर डिडक्टिंग टीडीएस, और उसके बाद मुझे उसका क्रेडिट भी मिल गया ईयर एंड में। एग्जैक्टली, टैक्स पेमेंट होता है तो ड्यू डेट्स भी होती होंगी। सर, ड्यू डेट क्या होती है और ड्यू डेट कैसे डिसाइड होती है, और अगर ड्यू डेट क्रॉस कर देता हूँ, अगर मान लीजिए मुझको इनकम टैक्स भरना है और मैं ड्यू डेट क्रॉस कर देता हूँ, तो उसके लिए किस तरह की से प्रावधान है, क्या होता है सर? सर, वापस आपको सेक्शन 139 पे लेके जाता हूँ। 139(1) ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि किस किस को रिटर्न फाइल करनी है। ड्यू डेट में अगेन आपको एसएससी वाइज ड्यू डेट सरकार ने आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है। इफ़ यू आर इंडिविजुअल तो आपके लिए डेट्स अलग हैं, अगर आप कंपनी एसएससी हो तो आपके लिए डेट्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल सिनेरियो में हम इस साल को छोड़ के चलते हैं कि कोरोना की वजह से डेट सारी एक्सटेंड हो गई हैं और आपकी इवन इंडिविजुअल के रिटर्न 10 तारीख अभी जानी है, या टैक्स के केसेस के डेट्स आपकी आगे सारी एक्सटेंड हो गई हैं जो इस तारीख 15 तारीख तक जानी, 15 से लेकर नेक्स्ट मंथ तक हम इसकी फाइलिंग करने वाले हैं, इसको छोड़ के अगर हम चलें तो नॉर्मल सिनेरियो में जनरली 31 जुलाई तक सरकार एक्सपेक्ट करती है एज एन इंडिविजुअल कि आप उस दिन तक अपने रिटर्न भर दें। कंपनी एसएससी की बात आती है तो कंपनी एसएससी के पास जो है टाइम 30 सितंबर तक का वे अलाउ करते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं आपको ऐड करूँगा कि इवन इफ़ उन्होंने आपको ये डेट्स दे दी हैं, लेकिन फिर भी सरकार एक्सपेक्ट करती है कि साल के अंदर अंदर यानी प्रायर टू 31 मार्च ही आप सरकार को टैक्स सारा पे करते हैं। अगर कोई भी टैक्स आगे बचता है तो आपको आप पे इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से हो सकती है। एक बहुत सिंपल, कॉमन और बहुत वाजिब सवाल है जो कई जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो भी सोचते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं नए टैक्स पेयर्स मोस्टली जितने होते हैं। सवाल ये है सर कि अगर मैं ड्यू डेट मिस कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं टैक्स पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टैक्स पेमेंट करने के मेरे पास उतना पैसा मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? सर, प्रिस्क्राइब्ड सेक्शंस है, सेक्शन 234A, 234B, 234C, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिनेरियो में ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर आप डिले करते हो अपना टैक्स पे करने में। उसके बाद उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम भी आपको अलाउ किया, अगर उस टाइम पीरियड को एक्सेस टाइम पीरियड को भी आप ब्रीच कर जाते हो तो आपको पेनल्टी क्लॉज भी एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब सरकार आपसे छोड़ नहीं रही है टैक्स को, उसको चाहिए है, आप लेट करोगे तो ब्याज भी दोगे और पेनल्टी भी दोगे। जी बिल्कुल, तो ये था हमारा खास प्रोग्राम टैक्स प्लानिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश शुक्ला जी, थैंक यू इंडिया, इट्स वाज नाइस टू बीइंग विद यू। टैक्स प्लानिंग रुकने वाली नहीं है, लगातार सीरीज चलेगी, लगातार हम अपने प्रोग्राम्स करते रहेंगे। आप अपने सवाल हमें लिख के भेजिएगा कि आपको टैक्स प्लानिंग में क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। टैक्स आप ही को भरना है, लेकिन टैक्स को बचाना कैसे है ये आपको समझाएंगे हम अपने टैक्स प्लानिंग के साथ। तो तमाम इन चीज़ों के साथ हम आपको यहीं छोड़कर जाते हैं, अपने सवाल भेजिएगा, जवाब हम आपको देते रहेंगे। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।